दोस्तों क्या अगर आपका मोबाइल पे भी फोन पे ऑपरेशन के अंदर इस तरफ का प्रॉब्लम है, आप जब भी दोस्तों फोन पे आपसे किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो, नहीं तो आप खुद का बैंक बैलेंस चेक करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे आपका जो पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है और खुद का बैंक बैलेंस भी चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। और बार बार दोस्तों आपको इस तरफ का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि योर रिक्वेस्ट फेल्ड ड्यू टू ए टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। आपने दोस्तों 2-3 बार आपने ट्राई करके देखा होगा, ठीक है, फिर भी आपको बार बार इस तरफ का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपका मोबाइल पे भी फोन पे ऑपरेशन के अंदर इस तरफ का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसका दोस्तों 100% सोल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। और उसके बाद अंत में ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस तरफ का प्रॉब्लम आखिर आता है क्यों और इससे दोस्तों आप कैसे बच पाओगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम को आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना कि अपना मोबाइल पे फोन पे ऑपरेशन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। फोन पे ऑपरेशन को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी यूजर को पता है। तो उसके बाद आपको करना कि फोन पे ऑपरेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद पूरा जो पास्ट में आपका जो प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देख लेना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट करके, ठीक है। पेमेंट मेथड का नीचे यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने फोन पे ऑपरेशन के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट ऐड करके रखा होगा वो सारा का सारा बैंक अकाउंट ऐड लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं फोन पे ऑपरेशन के अंदर 3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। तो अगर आप भी दोस्तों 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है फोन पे ऑपरेशन के अंदर, तो आपको वही वाला बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा जो बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसा कि मेरे में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वाली बैंक के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस तरह आपका इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना कि थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करते आना है, पूरा लास्ट में दोस्तों देख लेना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑन लिंक बैंक अकाउंट ऑप्शन, आपको करना कि पूरा लास्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलिंक वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसा ही ऑनलिंक वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट फोन पे आपसे डिलीट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट को फोन पे आपसे डिलीट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलिंक वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका जो बैंक अकाउंट फोन पे आपसे डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अभी आपको करना कि यहाँ पे आपको बैक बटन पे प्रेस कर देना। और अभी दोस्तों आपको और एक काम करना होगा, जो कि अपना मोबाइल पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बारे में लिखना है दोस्तों फोन पे। अब जैसा ही फोन पे लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपका मोबाइल पे फोन पे ऑपरेशन को अपडेट मांग रहा है तो आपको करना कि अपडेट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके फोन पे ऑपरेशन का सिंपल सा यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना, ठीक है। ये दोस्तों सेकंड नंबर काम है, ठीक है। फोन पे ऑपरेशन को अपडेट करने के बाद अभी दोस्तों आपको थर्ड नंबर काम करना होगा, जो कि अपना मोबाइल पे सेटिंग ऑपरेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सेटिंग ऑपरेशन को मैंने ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करते आना है और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स करके, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आपका मोबाइल पे ऐप मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका मोबाइल पे ऐप मैनेजर नहीं तो ऐप्स करके ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद आपका डिवाइस पे जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेड है वो सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको करना कि फोन पे ऑपरेशन को आपको ढूंढना होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं सर्च करूंगा फोन पे ऑपरेशन को और उसके बाद आपको फोन पे ऑपरेशन पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे भी दोस्तों आपको करना कि थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करते आना है और यहाँ पे देख लेना स्टोरेज करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको स्टोरेज वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद पूरा लास्ट में देख सकते हो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक दोस्तों क्लियर डाटा ऑप्शन और एक क्लियर कैश, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कैश वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर डाटा वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके फोन पे ऑपरेशन का डाटा को दोस्तों आपको डिलीट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको डिलीट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके डिलीट कर देना। और अभी आपको करना है दोस्तों यहाँ पे आपको बैक बटन पे प्रेस करके अपना मोबाइल पे फोन पे ऑपरेशन को ओपन कर लेना। तो जैसा कि मैंने फोन पे ऑपरेशन को मैंने ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से नया तरीके से मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों आपको रजिस्टर साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपने फोन पे ऑपरेशन का डाटा को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना जो मोबाइल नंबर से दोस्तों आपने पहले से फोन पे अकाउंट क्रिएट करके रखा था, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों मेरे जो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे आपको डाल के यहाँ पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा लोडिंग योर फोन पे अकाउंट और उसके बाद आपको 3-4 बार यहाँ पे आपको अलग परमिशन आपको देना होगा और उसके बाद आप फोन पे ऑपरेशन के अंदर ओपन हो जाओगे, ठीक है। अभी दोस्तों आपको करना कि फोन पे ऑपरेशन के अंदर ओपन होने के बाद फिर से आपको लेफ्ट साइड में प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद फिर से आपको बैंक अकाउंट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको करना कि पूरा लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन, ठीक है। आपको पूरा लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका सामने यहाँ पे बहुत सारे बैंक नेम देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको करना है दोस्तों, आपने जो बैंक अकाउंट को फोन पे आपसे डिलीट किया था उसी बैंक अकाउंट को फिर से आपको यहाँ पे सर्च करके ऐड कर लेना। तो जैसा कि दोस्तों मेरा जो
बैकग्राउंड पूरा पास्ट में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों फाइंड होगा, ठीक है। फाइंड होने के बाद आपका जो बैकग्राउंड फोन पे ऑपरेशन के अंदर अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो बैकग्राउंड फोन पे ऑपरेशन के अंदर ऐड हो गया है। आपको भी दोस्तों इस तरह बैकग्राउंड ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बैक बटन पे प्रेस कर देना, आपको फोन पे ऑपरेशन का होम ऑप्शन पे चले आना, ठीक है। आने के बाद अभी दोस्त आपने जिसको भी पैसा ट्रांसफर कर रहे थे उसको पैसा ट्रांसफर करके देखना क्या दोस्त आपका जो पैसा ट्रांसफर प्रॉब्लम बैंक बैलेंस चेक प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं करूंगा कि किसी दूसरे वाली बैंक अकाउंट के अंदर मैं पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक दूसरे बैंक अकाउंट है, ठीक है, मैं उसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूं क्या दोस्तों मेरा जो पैसा ट्रांसफर फेल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं करूंगा कि टू सेल्फ अकाउंट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूं दोस्तों मेरे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं 10 रुपीज ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे दोस्तों मैंने अमाउंट डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अभी दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट से ही मैं पैसा कटवाऊंगा क्योंकि दोस्तों मेरे में इसी बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम शो होता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद पे वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैंने जो चेक डेबिट का ईपी पिन क्रिएट करके रखा है और जो ईपी पिन यहाँ पे दोस्तों मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यूपी पिन डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है और उसके बाद दे सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली। मतलब दोस्तों हमारे जो पैसा ट्रांसफर फेल्ड प्रॉब्लम दोस्तों शो होता था और जो प्रॉब्लम को दोस्तों मैंने आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ सॉल्व करके पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा दिया। तो कहने का मतलब एक ही दोस्त हमारे जो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको भी दोस्तों करना कुछ भी नहीं, मैंने जैसा दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाया ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले आना है और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों सॉल्व हो ही जाएगा। अभी यहां से दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दोस्तों देखिए मैंने जैसा तरीका बताया ऐसा तरीका फॉलो करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, अगर फिर भी योर रिक्वेस्ट फेल्ड ड्यू टू अ टेक्निकल इशू प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों अगर फिर भी शो होगा तो उसके बाद आपको करना कि मिनिमम से मैक्सिमम आपको दोस्तों 24 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों ज्यादातर इस तरह का प्रॉब्लम आता क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आपका मोबाइल के अंदर नहीं दोस्तों, ज्यादातर प्रॉब्लम आपका बैंक में, ठीक है, आपका पास जो भी दोस्तों बैंक है उस बैंक में दोस्तों टेक्निकल इशू हो सकता है, नहीं तो सर्वर डाउन हो सकता है। आप अगर उसी समय किसी के पास आप पैसा ट्रांसफर करोगे, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर टेक्निकल इशू या सर्वर डाउन होते समय आप अगर किसी के पास पैसा ट्रांसफर करोगे या खुद का बैंक बैलेंस चेक करोगे तो उसी समय दोस्तों आपको बार बार इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा, जैसा कि टेक्निकल इशू करके, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर दोस्तों आपको घबराने का कोई भी जरूरत नहीं, आपको सबसे पहले मैंने जैसा तरीका बताया ऐसा तरीका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका मोबाइल पे फोन पे ऑपरेशन अपडेट नहीं होने का कारण भी दोस्तों टेक्निकल इशू प्रॉब्लम बता सकता है। तो आपको सबसे पहले मैंने जैसा तरीका बताया ऐसा तरीका फॉलो करके देखना, अगर फिर भी दोस्तों आपको बार बार इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा तो उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मिनिमम से मैक्सिमम 24 घंटा आपको वेट कर लेना और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका मन में कुछ भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरे वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़े टॉपिक के बारे में वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी फायदा हुआ तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।